वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व फायर ब्रांड नेता नीत अग्रवाल शारदा ने आज फिर एक बड़ा बयान दिया है। मेरठ के मोदीपुरम स्टेट वैश्व समाज सम्मेलन व होली मिलन समारोह के दौरान विनीत शारदा ने कहा कि अब हम दो हमारे दो का सिद्धांत चलने वाला नहीं है, अब हम दो हमारे पांच बच्चे होने चाहिए। इस समारोह में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल आदि भी मौजूद रहे। समारोह के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए विनीत शारदा ने यह कहा, जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग कितने थे और वो लोग कितने थे और आज हम कितने हैं और वो कितने हो गए हैं। वो कहते हैं मैं एक, मेरी तीन, मेरे 18, और हम कहते हैं हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे दो से हम दो हमारे एक। तो 25 साल के बाद बच्चे पूछेंगे, जब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, वो कहे पापा चाचा किसको कहते हैं, ताऊ किसको कहते हैं, मामा किसको कहते हैं, फूफा किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं, चाची किसको, सब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि बच्चे एक कर दो होंगे। मेरा इसलिए सरकार से निवेदन है, मेरा वैश्य समाज से मैं अपील करता हूँ, वैश्य समाज नोते और सरकार से अपील करता हूँ कि परिवार योजन का नियम चालू करें, हम दो हमारे दो, उनके भी दो हमारे भी दो, हमारे भी तीन उनके भी तीन, ये सोतेला व्यवहार ख़त्म हो। ऐसा नहीं वो करेंगे 18 बच्चे, हम करेंगे एक बच्चे दो बच्चे, तो 35 साल के बाद क्या होगा। तो इसलिए मेरा साफ आह्वान है कि जब तक सरकार नियम नहीं लागू करती, एक नियम नहीं, जब तक मेरा वैश्य समाज से, हिंदू समाज से आह्वान है कि हम दो हमारे पांच के सिद्धांत को अपनाएं, एक बच्चे को बचपन से राजनीतिक ज्ञान सिखाएं, एक बच्चे को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बना के अमरीका, लंदन में निवेश के भारत में रहने की शिक्षा दें, एक बच्चे को बचपन से अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए लोहा खरीदना सिखाएं, और एक बच्चे को देश की रक्षा के लिए सेना में डालें। जिस माँ का एक बच्चा होगा वो सेना में भेजेगी, देश की रक्षा कैसे होगी। ये चीन और पाकिस्तान गिद्ध की तरह नज़र दराज करते हैं, इनको अगर दबाना है तो एक हर माँ को एक बच्चा सेना में भेजना होगा। और कहोगे शारदा जी आप व्यापारी समाज से आते हो, व्यापारी राजनीति करते हो, परिवार क्या चलेगा, तो एक बच्चे को बचपन से व्यापारी बनाए, व्यापार की शिक्षा दें, किसान एक बच्चे को बचपन से किसान की शिक्षा दें, कृषि की शिक्षा दे। इसलिए हम दो हमारे पांच के सिद्धांत को अपनाना जरूरी है, नहीं तो होगा 35 साल के बाद फिर भारत माता रोएगी, फिर दूसरे पाकिस्तान की मांग उठेगी, उसको हम नहीं होने देंगे। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।